आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड का मास क्या है एम है और लेंथ क्या है एल है। इस रॉड के स्मॉल डी डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट मास पड़ा हुआ है छोटा एम, पूरी रॉड ने छोटे एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फोर्स बताओ क्या होगी। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर सेंटर ऑफ मास ले लो यहां पर, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लो और लगा दो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, गलत है, रॉड के लिए वैलिड नहीं है। रॉड में तो एक ही स्टैंडर्ड चीज है कि रॉड का पहले स्मॉल मास ले लें डीएम, जैसे सेंटर ऑफ मास हमेशा करते आए हैं डीएम, और इसकी स्मॉल लेंथ कितनी है डीएक्स और इसकी दूरी कितनी है यहां से एक्स, स्टैंडर्ड है वही क्वेश्चन सेम, एक्स दूरी पे डीएक्स और डीएम। अब डीएम इज अ पॉइंट मास, डीएम यहां पर क्या लगाएगा ई लगाएगा, चलो फोर्स की जगह ई निकालना है तो जहां ई निकालना है वहां वन रख लें, तो डीएम की दूरी यहां से एक्स है तो ई क्या लगाएगा, ई लगाएगा जी डीएम बाय एक्स स्क्वायर, पर क्योंकि ये टोटल ई नहीं होगा ये छोटा ई होगा क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो ई भी छोटा है तो स्मॉल ई की वैल्यू आ गई, तो एलिमेंट स्मॉल ई लगा दिया। अब मेरे को हर एक एलिमेंट लेना है, इस एलिमेंट और इसका ई लेना है, इस एलिमेंट इसका ई लेना है, इस एलिमेंट इसका ई लेना है और इस एलिमेंट इसका ई लेना है, सारे डी ई डी ई को मिलाना है तो इंटीग्रेट करना है, और वैसे भी जो इसकी डायरेक्शन है ई की वो मेरी तरफ होगी अट्रैक्टिव है, हर एलिमेंट की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी अट्रैक्टिव है तो सारे वेक्टर ऐड ही होने वाले हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इंटीग्रेट करते हैं, डीएम निकालने का तरीका हमने कई बार सेंटर ऑफ मास और मोमेंट इनर्शिया में सीखा था, स्मॉल मास डीएम कैसे निकलता है एम बाय एल इनटू डीएक्स, तो मैं सिखा रखे है मास अपॉन लेंथ को डीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे डीएम आएगा, तो इस डीएम को उठा के यहां पे पुट कर देते हैं तो ये टर्म आएगी, और अब इंटीग्रेशन की बारी है तो डीएक्स की लिमिट क्या पुट करेंगे एक्स की, एक्स की लिमिट के लिए सबसे पहला पॉइंट आप पहला एलिमेंट मान लें यहां पे ले रहे हैं, जब पहला एलिमेंट यहां पर है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, एक्स क्या हो जाएगा यहां पर डी, फिर आखिरी एलिमेंट यहां पर ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी प्लस एल, डी प्लस एल, तो एक्स की लिमिट क्या लगेगी डी से लेके डी प्लस एल, ये देखो तो आप यहां से लिमिट लगाएंगे डी से डी प्लस एल, एक्स की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन माइनस वन बाय माइनस वन, माइनस बाहर आ गया ये वन बाय एक्स है, एक बार अपर एक बार लोअर माइनस करेंगे, ये आपकी शीट का होमवर्क होगा आज मैं दूंगा आपको, मैंने हिंट दे दिया आपको कि कैसे करना है रॉड की प्रॉब्लम कैसे करनी है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार्क करना, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है समझ में आ रहा है, रेफर कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसलिए अभी कर नहीं रहा क्योंकि आपको होमवर्क के अंदर सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये क्वेश्चन